आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर टैंक्स के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग टैंक्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली एक आर्ग्यूमेंट निकल कर आती है कि आज की तारीख में ड्रोन्स के आ जाने के बाद में टैंक्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। ये डिस्कशन कोई नई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से इस तरीके की डिस्कशंस चलती आई हैं। शुरुआती दौर में कहा जाता था कि किला ज्यादा पावरफुल है या फिर तोपखाना, और बाद में वॉरियर्स ने ये चीज रियलाइज की कि इन दोनों चीजों की जरूरत है, और उसी तरीके से आज भी ड्रोन्स के साथ साथ टैंक्स की आवश्यकता है। हालांकि जैसे पास्ट में किले और तोपखाना धीरे धीरे इम्प्रूव हुए थे, उसी तरीके से आज के टैंक्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसी कोशिश में इंडियन आर्मी की तरफ से दो टैंक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, एक लाइट टैंक प्रोजेक्ट और दूसरा फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम यानी कि FRCV। लाइट टैंक के स्पेसिफिकेशंस तो आप सभी को पता ही हैं, लेकिन अगर बात की जाए FRCV प्रोग्राम की तो इसके स्पेसिफिकेशन जो इंडियन आर्मी चाहती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, FRCV को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको 55 टन का टैंक चाहिए, जिसका वजन 5% ज्यादा हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 2.5 टन का मार्जिन और दिया गया है। टैंक में ऑटो लोडर की मांग की गई है। साथ ही साथ ये स्पेसिफिकेशन खुद में ही काफी इंटरेस्टिंग है, और इसको लेकर वीडियो में हम लोग आगे चल के थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। अगर फायर पावर की बात की जाए तो इसमें मिनिमम 120 मिलीमीटर की गन की मांग की गई है, हालांकि यहाँ पर गन बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल गन और एक 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के ऊपर गन माउंट की जाएगी। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें 60 डिग्री के आर्क के ऊपर लगभग 80 मिलीमीटर का प्रोटेक्शन चाहिए। साथ ही साथ कैनिस्टराइज एमिनेशन पिन विद इंडिविजुअल शटर एंड ब्लो ऑफ पैनल की भी मांग की गई है। 5 मीटर की डीप फोर्डिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जिसमें हार्ड केल और सॉफ्ट केल हो, 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा के इंजन की मांग की गई है। साथ ही साथ इसमें एक्टिव सस्पेंशन भी मांगा गया है। देखिए, इन सभी रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी मॉडर्न टैंक के हिसाब से ये सारी रिक्वायरमेंट जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं। रही बात 4 के क्रू की और ऑटो लोडर की, तो यहाँ पर चीजें कुछ इंटरेस्टिंग हुई हैं। देखिए, नॉर्मली टैंक्स दो तरीके के होते हैं। पहला, जिसमें मैनुअल लोडिंग का प्रयोग किया जाता है और उसमें 4 का क्रू होता है, कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर। नॉर्मली सभी वेस्टर्न टैंक इसी फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं। वहीं पर अगर रशियन ओरिजिन के टैंक्स की बात की जाए तो उनमें ऑटो लोडर का प्रयोग किया जाता है, और इसी वजह से इस तरीके के टैंक्स में 3 का क्रू होता है। इनिशियली माना जाता था कि ऑटो लोडर की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये जैम हो सकते हैं, आपको प्री फेड एमिनेशंस ही यूज करने पड़ते हैं, और इसी वजह से आपके पास में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन आज के डेट में ऑटो लोडर काफी ज्यादा रिलायबल हो चुके हैं और आपके पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न फिलॉसफी में भी चेंज आ रहे हैं और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ऑटो लोडर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की ये रिक्वायरमेंट काफी यूनिक है। यहाँ पर ऑटो लोडर तो मांगा गया है, लेकिन 4 का क्रू मांगा गया है। एक थ्योरी ये है कि जो चौथा क्रू मेंबर है वो ड्रोन ऑपरेशंस देखेगा, क्योंकि ये टैंक्स ड्रोन ऑपरेट करने में भी सक्षम होंगे। वहीं पर जो दूसरी थ्योरी है उसके हिसाब से इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यहाँ पर डेवलपर्स 3 का क्रू या 4 का क्रू डिसाइड कर सकते हैं, और इसी वजह से रिक्वायरमेंट में ऑटो लोडर और 4 का क्रू दोनों मेंशन किया गया है। ये टैंक 2025 के आसपास निकल कर आएगा, और तब कहीं जाकर हम लोगों को एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी इन स्पेसिफिकेशंस को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे लोग वेट रिस्ट्रिक्शन को लेकर भी नाराज हैं। देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि उनको 55 टन का टैंक चाहिए, जिसमें 5% का मार्जिन दिया गया है और प्रोटेक्शन केवल 800 मिलीमीटर ही मांगी गई है, ऐसे में ये टैंक 57.5 टन का टैंक हो सकता है। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अर्जुन मार्क 1 58.5 टन का टैंक था, यानी कि इन थ्योरीज का वजन केवल 1.5 टन ही हैवी है। और तब से लेकर अब तक इंडिया की मेटलर्जी में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। इन सभी चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से ये 57.5 टन अचीवेबल है। होप इस वीडियो के बाद में चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।